नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इंशा। नेशनल टुडे 24 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और इस वक्त की बड़ी खबर एटा से बताई जा रही है। जी हां, इस वक्त की बड़ी खबर एटा से। विधवा महिला के साथ गांव के युवक ने खेत में किया दुष्कर्म। दुष्कर्म करने के बाद महिला का बनाया आपत्तिजनक वीडियो। पुलिस ने प्रार्थिया की तहरीर पर आरोपी के खिलाफ नहीं लिखा दुष्कर्म का मामला। आरोपी लगातार प्रार्थिया के ऊपर शादी करने का जबरन दबाव बना रहे हैं। शादी न करने पर प्रार्थिया के बेटे और उसके भाई की हत्या करने के आरोपी दे रहे हैं धमकी। पीड़ित न्याय के लिए लगा रही है एसएसपी ऑफिस के चक्कर। एटा से जलेसर कोतवाली क्षेत्र का है पूरा मामला। एटा से आमिर हयात की रिपोर्ट। आया क्या है पूरा मामला? हमने ये 15 तारीख को 10-12 घंटे मेरे घर पे आए थे, तो ये मैं लेके आया था। उसने फर्जी कागज भी बनवा लिया है। मेरे घर पर कोई नहीं था, मेरा लड़का है, मेरा 7-8 साल का है। मैं अकेली थी। उसने जबरदस्ती की मेरे साथ, मतलब वो जबरदस्ती ले जाना चाहता है मुझे। धमकी भी दे रहा था, खींच कर ले जाऊँगा, अगर नहीं गई तो तेरे लड़के को मार दूंगा, तेरे भाई को मार दूंगा। तो उसने मेरे साथ गंदा भी काम किया है। एक बार जबरदस्ती करता है बहुत, तेरी मतलब वीडियो भी वायरल कर दूंगा। बहुत परेशान करता है, क्या करूँ, मैं विधवा हूँ सर। आप एसएसपी साहब से मिले और एसएसपी साहब ने क्या कहा? उसने मतलब साइन कर दिए, आप जाइए, आपका काम हो जाएगा। आपने थाने में रिपोर्ट लिखाई क्या? हाँ लिखाई है सर। अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई? कोई कार्रवाई नहीं है। 10-12 महीने हो गए, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। आप क्या न्याय मांगना चाहती हो? ये उस इंसान को सजा दिलवाना चाहती हूँ। आपके भाई को भी धमकी दी थी क्या? हाँ, मारने की धमकी थी। एक ही भाई है मेरा, 5 बहनों की बात भी आए हुए। आपको आपका वीडियो भी बनाया है क्या? हाँ बनाया है उसने। क्या नाम है उस व्यक्ति का? सुखवेंद्र। कहाँ का है मामला? गणेशपुर का है। जो रेप पीड़िता महिला आई थी आपके न्याय के लिए, क्या कहेंगे सर इस बारे में? थाना जलेसर क्षेत्र से एक महिला ने थाना जलेसर पे छेड़छाड़ के संबंध में अभियोग पंजीकृत कराया था। बाद में उसका न्यायालय में बयान 164 सीआरपीसी के अंतर्गत दर्ज कराया गया है, जिसमें उसने बलात्कार के संबंध में अपनी बात बताई है। विवेचक द्वारा पूरे मामले का संज्ञान लिया गया है और जो आरोपी जिसको छेड़छाड़ की धारा में उन्होंने पहले अपनी FIR में आरोपित किया था, उसको गिरफ्तारी करने के लिए निर्देशित किया गया है। बहुत जल्दी गिरफ्तार करके उनको जेल भेजेंगे।